सबसे पहले तो यार हम आपको बता दें कि जिस जगह पे हम लोग आज मौजूद हैं, यहाँ की जो कहानियां हैं अभी तक सबसे हटकर बताई गई है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक राज में। दोस्तों हम सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। दोस्तों बता रहे हैं कि हम लोग जिस जगह पे मौजूद हैं, ये आप चलने के बाद ही महसूस करेंगे कि कितना खतरनाक जगह हो सकता है। ये काफी खतरनाक जगह, और यहाँ की जो बातें बताई गई हैं कि यहाँ पे कोई एक आदमी है, लेकिन कुछ लोगों का जो कहना है कि वो आदमी नहीं, वो अब शैतान बन चुका है, वो ये राक्षस बन चुका है। जो लोगों ने बताया कि इस जगह पे ये पूरा रास्ता पार करने के बाद आता है एक कब्रिस्तान, जहां पे लाशें दफनाई जाती हैं। जो लोगों का कहना है कि यहाँ पे लाशें काफी ज्यादा दफनाई जाती हैं, लेकिन कुछ लाशें जो तत्काल जिसकी मौत हुई होती है और उसे दफनाया जाता है, तो कोई एक आदमी या क्या है आकर उसे खोद कर उसकी लाश को रातों रात गायब कर देता है। काफी लोगों ने ये क्लियर करने की कोशिश की आखिर कब आता है, कब खोद के ले जाता है, क्या करता है लाश को, तो आज तक कोई पता नहीं कर पाया आखिर होता क्या है उसका। खासकर रात में अगर इस रास्ते से आप जाएंगे तो आपके ऊपर भी वो हमला, मतलब ऐसा लोगों ने बताया कि कर सकता है। फिलहाल जो कुछ भी है काफी रिस्क लेने के बाद हम और नितेश इस जगह पे पहुंचे हैं, और वास्तव में है क्या चीज, अभी जो ठंड का मौसम चल रहा है और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, वैसे भी धुंध के कारण अभी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम और नितेश भाई वहां तक चलने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ये क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में वो है क्या चीज, कोई आदमी या कोई शैतान जो रात में लाशों को गायब करता है, वो भी दफन की हुई। नितेश चलने की कोशिश करते हैं क्योंकि काफी रात हो चुकी है और इतनी रात में वैसे तो खतरा बना रहता है यार। रिस्क काम है यार, रिस्क लेते हैं हम लोग सिर्फ आपके लिए, और आप लोगों का काम है यार कम से कम वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, एक लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। नितेश चलो पूरा व्यू लेते रहना यार, क्योंकि जिस रास्ते पर हम चलने वाले हैं ना, इतनी रात को कभी भी कोई नहीं जाता है यार। इसके जस्ट आगे वो नदी का किनारा जहाँ पे लाशें दफनाई जाती है यार। एक बात और, वो सेफ्टी के संभाल लियो ना। हाँ हाँ, अरे सामने देखो, हाँ यार कुछ जा रहा है सामने। वो कौन यार, एक मिनट कोई जा रहा है यार। नितेश कोई आदमी हाँ, कोई आदमी है, तो कोई आदमी यार पक्का कन्फर्म यार। हाँ एक मिनट कोई आदमी है। हाँ कोई आदमी था। हाँ यार खतरनाक जगह यार, देख रहे हो गया तो आगे ही यार, इधर से आया था। हाँ इस जंगल के अंदर से आया था। ऐसा ना हो यार ऊपर से कहीं संदेह में कर दिया हम लोगों पर। हाँ हो सकता है। हाँ देख रहा, गाड़ी खड़ी कर दे यार। हाँ गाड़ी यहीं खड़ी कर दे। हाँ यहीं कर दे। हाँ रोड तो यहीं पर, गाड़ी खड़ी कर दे यार। तो सावधान ना नितेश, इसी के अंदर से आया था। हाँ इसके अंदर से नितेश ये बात हो गया। हाँ वो जो कुछ भी है आगे गया यार, वो साइड में। हाँ लेकिन यार
काफी कम नजर आया यार। ऐसा लगा कि कोई आदमी है जो जा रहा है। लेकिन कोई आदमी ही था क्लियर, वो कन्फर्म ना? हाँ, कोट पहना हुआ था। गांव के लोग भी यही बताए यार कि वो कोई आदमी है लेकिन वो शैतान बन चुका है। इस तरह से कोई गांव का आदमी तो नहीं था। लेकिन यार इतनी रात को इस जगह पे क्या करेगा यार? जो इस समय जगह आप देख रहे हैं एकदम, आपको बता दे कोई गांव नहीं यार आसपास में। चल देखते हैं, उधर दूर नहीं गया होगा अभी। पता नहीं क्या चीज है, छू मत, कोई भी सामान छू मत जैसे यहाँ पे, समझ रहे हो ना? वो आदमी किधर गया? लेकिन ये क्या चीज है, ये क्या चीज है यार? किसी बच्चे का है। ये तो कोई किसी छोटे बच्चे के यार सूज है यार। ऐसा तो नहीं है नीतीश, ये आदमी किसी को पर हमला किया हो यार। हो सकता है उस बच्चे का सूज इस जगह पे गिरा हुआ है, देखो इधर ही गिरा था लगता है, अंदर ही लेकर गया है क्या, घसीटा भी गया क्या यहाँ पर? हाँ यार नीतीश, कन्फर्म यार, हमको किसी बच्चे को घसीट या ले गया यार। हाँ एक मिनट, लग तो रहा है देखो बचा कर चलो, हमला कर सकता है वो। इधर तो रास्ता जैसे बना हुआ है, ये हमको लगा यार जंगली जानवर इधर से जाते हैं इसलिए रास्ता बना हुआ है। लेकिन यार वो आगे तक सिर्फ घसीटने का जो निशान पड़ा हुआ था सिर्फ आगे तक था यार, इसके बाद वो घसीटने का निशान खत्म हो चुका है। उसके बाद उसे उठा कर ले गया होगा शायद। कौन है? अजीब आवाज आई यार। एक मिनट, कुछ नहीं था पीछे पीछे आवाज इधर से आई थी, बगल में बगल से आवाज आई थी। हाँ काफी सारे यार, कपड़ा है क्या कोई यार यहाँ पे? ये क्या यार देश? कुछ चीज तो बांध कर फेंका गया यार, कुछ तो बांधा गया इसमें यार, ऊपर खून भी लगा है देख रहे हो? हाँ खून है, पूरा खून लगा है देख रहे हो? कुछ बांधा हुआ यार, ये क्या यार? वो आवाज लेकिन इधर से आई थी। ठीक है नीतीश, ये बताओ यार कुछ कंफर्म समझ में आ रहा है कि यार ये हमको लग रहा है वहां से जो लाश को खोद कर यार या लाते हैं काट कर तो रखा नहीं गया यार? पता नहीं
कुछ बांध कर तो रखा गया इसमें। कम करे, देख क्या यार इसमें क्या है, चेक करो। कुछ तो है नहीं, पक्का यार। हमको लगता है यार कि आखिर ये है क्या चीज, कौन हो सकता है यार इतना खतरनाक आदमी यार ये, पता नहीं। और जाने दो, जाने दो जी, आने दे, छोड़ दो। बहुत अजीब है बदबू यार, यार पता नहीं क्या चीज है यार, पता नहीं क्या है। पहले आगे तो चलने की कोशिश करते हैं। हाँ, हो सकता है वो जो भी चीज है यार हम लोग को कुछ ना कुछ कैप्चर हो जाए यार। आवाज सुन, इधर से वो देखो, इधर से आवाज आ रही है। अपना गन रेडी रखना, ओके। कुछ भी हो जाएगा रेडी रहना पूरा। खतरनाक लग रहा है, काफी अजीब सा है। कौन है यहाँ पे, जो कोई है सामने आओ, कौन है? कौन है यहाँ पे, कोई है? इस साइड कोई गया यार? हाँ हाँ, पैरों की आवाज आ रही है इस साइड से, इस साइड यार। हाँ, अंदर कोई तो है, आगे आगे गया कोई। पेड़ से कुछ गिरा लगता है, ये भी गौर करो यार, ये एक पीपल का पेड़ है। हाँ, देख रहे
अपस्टेयर्स आओ। और जिसके इसके जस्ट उस साइड में वहां पे जो लाशें दफनाई जाती है यार, देख रहे हो? काम करते हैं यार, जैसे हमें लग रहा है कि वो आदमी है, जो कुछ भी है यार, हमको लग रहा है वो आदमी ही है, लेकिन लाशों को खोदकर करता क्या है ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। जो जो चीज हमें इस जगह पे मिली यार, वास्तव में वो परेशान कर देने वाली बात है। खून से सना एक कुछ बदा मिलता है और उसमें इतनी बदबू आती है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ चीज सड़ गया हो। बच्चे का सोच इस जंगल के अंदर मिलना यार, एक ये भी शक के दायरे में लगता है कि वो कोई आदमी ही है। हो सकता है लोगों को कैसी आवाज आ रही है? सुन रहे? हाँ, कैप्चर हो रहा है ना? हाँ हाँ, अजीब सो रहे थे। कुछ और उधर गाड़ी के पास जा रहा है, सामने जा रहा है, सामने है बिल्कुल पास में। कोई आदमी है? हाँ, पुलिस हो गए नमस्ते। काफी नजदीक थे यार, काफी नजदीक थे, लेकिन हम सोच रहे कि हो सकता है हमारे ऊपर हमला ना कर दिया, इसीलिए हम उसे पकड़ नहीं पाए, समझे ना?
कोई आदमी ही था या तो कोई आदमी था, कंफर्म था यार। लेकिन जो भी था यार वह समय बहुत ही खतरनाक था यार, काफी ज्यादा। ये क्लियर तो हो गया यार कि आज कोई आदमी है और इस तरह से जो काम करता है यार बहुत ही खतरनाक है यार। काफी नजदीक पहुंचे थे हिंदेश। हाँ एकदम पास में थे, एकदम पास थे यार। लेकिन हम पकड़ने भी वाले थे लेकिन हमें ऐसा लगा कि हो हमारे ऊपर किसी चीज से हमला करने वाला है, इसलिए हम वहां पर रुक गए और वो इसके बाद भाग गया यार। ज्यादा अंदर जंगल के अंदर जाना भी हम लोग के लिए उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना उनको किसी भी प्रकार की किसी भी चीज से वो हमला कर सकते हैं। हाँ काम करो, सीधे गाड़ी के पास चलते हैं और यहाँ से निकलो और इसके बाद क्या है? कोई चूड़ी है क्या यार? नीतीश चिंतन के अंदर चूड़ी कहाँ से आ गई यार? एक मिनट एक मिनट, काफी चूड़ी है नीतीश। हाँ। ऐसे किसी के साथ जबरदस्ती यहाँ पे हिंसा तानी हुआ यार, देख रहे हो? देख रहे हो? हाँ। देख रहे हो? काफी चूड़ी है यार, देखिए देख रहे हो? देखो सर सब चूड़ी छोड़ो। ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ हो सकता है ये दिन का एक रास्ता हुआ करता है यार। कभी कभी लोग इस रास्ते जाए भी करते हैं लेकिन शाम होने के बाद यहाँ से कोई नहीं जाता है। हो सकता है कोई जा रहा हो यार, कोई औरत हो उसके साथ कोई बच्चा भी हो, वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती किया हो, उसकी चूड़ियाँ तो यहाँ फूटी है यार। ये भी अंदर जाता है ना, ये देखो देख रहे हो? इधर भी रास्ता बना हुआ अंदर जाने का। जंगल में जाएगा बीचो बीच, हो सकता है यार उस औरत को यहीं पर कुछ उसके साथ गलत हुआ हो और उस बच्चे को घसीटते हुए उस जगह पे ला जाओ जहाँ पे उसको सूझ वहाँ पे पड़ा हुआ है। हो सकता है, हाँ हो सकता है। काम करती है यार, ये जगह यार खतरे से खाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है वो और कई लोग हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये एक आदमी काम नहीं हो सकता यार। कन्फर्म मैं आपको बता दें, एक आदमी काम नहीं हो सकता है। समझ गए? सीधे गाड़ी के पास चलो और यहाँ से निकलते हैं कल या किसी दिन दूसरी जगह। पूरी प्लान यार, पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं और इस जगह को फिर से विजिट करते हैं और उस जगह तक जहाँ पे लाशें दफनाई जाती है उस जगह तक पूरा विजिट करते हैं। समझ गए? हाँ। वीडियो बंद करो, यहाँ से निकलो पहले। चलो बाहर लाइट चल रहे तो गाड़ी चलो चलो।